को बिना ऑयल करे ही डायरेक्टली ओवन में बेक करेंगे। बाद में उसे स्कूप करके अच्छा सा चीज और वेजिटेबल्स के साथ एक अच्छा स्टफिंग बनाकर उसे स्टफ करेंगे। ये बेक पोटेटोज बहुत ही टेस्टी लगते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। आइए बनाते हैं बेक पोटेटोज। बेक पोटेटोज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 6 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। आलू को हम छिलके के साथ ही यूज करेंगे। अच्छे से पानी से धो के नेपकिन से अच्छे से पोंछ कर हम इसे यूज करेंगे। हम आलू को पहले ऑलिव ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आलू को अच्छे से चारों तरफ से हम ऑलिव ऑयल से ग्रीस करेंगे। सभी आलू को अच्छे से ऑलिव ऑयल से ग्रीस करें। अब इस आलू पर हम थोड़ा इस तरह से नमक से कवर कर लेंगे आलू को। अब इस आलू को हम बेक करेंगे 220 डिग्री सेल्सियस पर। इस आलू को हम 40-45 मिनट के लिए बेक करेंगे। बीच बीच में 2-3 बार पलटते हुए मैंने इस आलू को 40 मिनट के लिए बेक कर लिया है। बहुत ही अच्छे से बेक हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है बेकिंग की। बेकिंग वेजिटेबल्स वैसे भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये आलू बहुत ही टेस्टी लगेंगे। हमें इस आलू को बीच में से स्कूप करके चीज और वेजिटेबल्स के साथ हम इस आलू को स्टफ करेंगे, इसलिए हम इस आलू को अब ठंडा कर लेते हैं। और जब तक आलू ठंडे हो रहे हैं तब तक हम उसका एक स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर चेडर चीज को ग्रेट करके लिया है। मटर और कॉर्न मैंने फ्रोजन लिए हैं, इसलिए इसे बॉईल करने की जरूरत नहीं है। शिमला मिर्च को बारीक टुकड़ों में काट के लिया है। ड्राई बेसिल लीव्स लिए हैं। चाट मसाला, चिली फ्लेक्स, ये फुदीने के फ्रेश पत्ते लिए हैं थोड़े। चीज स्प्रेड लिया है मैंने, ओरिगानो और थोड़ा सा हम ब्लैक पेपर क्रश करके डाले। आलू ठंडे हो चुके हैं, अब इसे हम स्कूप कर लेते हैं। इस तरह से नाइफ की मदद से पहले हम पीच का पोर्शन इस तरह से निकाल देंगे। अब एक स्पून की मदद से हम इसे स्कूप कर लेंगे। अच्छे से बेक हो चुके हैं आलू, इसलिए अच्छे से स्कूप हो रहे हैं। इस तरह से मैं सारे आलू को स्कूप कर लेती हूँ। फिंग रेडी कर लेते हैं। हमने जो आलू को स्कूप करके जो आलू निकले थे उसमें से हम 2 टेबलस्पून जितना आलू लेंगे, ये 2 टेबलस्पून जितना ही लेंगे क्योंकि हमें अपना स्टफिंग ज्यादा चीजी बनाना है। 2 टेबलस्पून जितना आलू, इसमें हम ये चेडर चीज जो हमने ग्रेट करके रखी है वो हम लेंगे। दो टेबलस्पून जितनी ये क्रीम चीज लेंगे। मिक्स कर लेंगे। अच्छा क्रीम चीज वाला ये अच्छा एक स्टफिंग रेडी होगा। अब इसमें हम ये थोड़े से ये मटर डाल देते हैं, थोड़े से ये कॉर्न, थोड़े से शिमला मिर्च, मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़े से ये फुदीने के पत्ते को बारीक काट के डाल देंगे। थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे। आप अपने पसंद के अनुसार इसको कम ज्यादा स्पाइसी बना सकते हैं। थोड़े से बेसिल, ड्राई बेसिल लीव्स, ये ब्लैक पेपर से थोड़ा हम क्रश करके डालेंगे, इससे अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा चाट मसाला डालते हैं। मिक्स कर लेते हैं।
नमक हम थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि चीज डाली है हमने इसमें, इसलिए ध्यान से नमक डालें, मिक्स कर लें। आप इस स्टफिंग को अपने पसंद के अनुसार टेस्टी बना सकते हैं, कम ज्यादा स्पाइसी और कम ज्यादा आप ये वेजिटेबल्स और ये चीज ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और चीजी स्टफिंग बना है ये। अब इस पोटैटो को हम इस स्टफिंग से स्टफ कर लेंगे, इस तरह से हम पूरा स्टफ करेंगे इसे ऊपर तक, इस तरह से अच्छे से स्टफ करना है हमें। बहुत ही अच्छी बेक स्टेडी होगी ये। ये सारे पोटैटो स्टफ हो चुके हैं। अब इसमें हम ऊपर से थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल देंगे और थोड़ा सा ये ओरिगानो छिटक देंगे इस तरह से। अब इस आलू को मैं 200 डिग्री सेल्सियस पर ये चीज ऊपर से गोल्डन होने तक बेक कर लूंगी। 15 मिनट बेक करने के बाद ये बेक पोटैटोज रेडी है। आप देख सकते हैं चीज अच्छे से गोल्डन हो चुकी है। बेक चीज तो वैसे भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं, क्रीम चीज से भरपूर ये बेक पोटैटो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है ये डिश, आपको भी जरूर पसंद आएगी। इसी तरह की नई नई रेसिपी के लिए आप मेरे वीडियोस देखते रहिए।